तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम में। तो आज जो हम लोग प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें सबसे पहले जो एक बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद, इसके शून्य ज्ञात करने होंगे और इसकी शून्य को तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करवानी होगी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, इसमें हमारे 6 क्वेश्चन हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा है और सबसे पहले हमें इसका शून्य ज्ञात करना होगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि पहला वाला टर्म और आखिरी वाला टर्म को आप गुणा कीजिए। तो क्या हो रहा है, 8x स्क्वायर होगा, 8 को और x स्क्वायर को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8x स्क्वायर ये आ रहा है। अब कोई दो ऐसा संख्या सोचिए जिसको गुणा करने पर 8x स्क्वायर आता हो और उसको अगर प्लस माइनस करेंगे यानी दोनों का डिफरेंस कितना होगा, वो बीच वाला संख्या होगा। तो दोस्तों पहले ध्यान दीजिए, कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा, 8x स्क्वायर लाना है यानी 8 लाना है। तो 8 गुना कर दो संख्या ऐसी कौन सी सोच सकते हैं जिसको गुना करने पर 8 आता हो। तो हमारे दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा या फिर 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होगा। तो क्या एक तो हो सकता है 8 को 1 से गुना करेंगे, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है हमारा कि 4 को 2 से गुना करेंगे, ये दो संख्या हमारा बन रहा है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया कि उन दोनों का डिफरेंस ये बीच वाला संख्या आना चाहिए, ठीक है। यानी अगर हम इसका देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 8 और 1 का डिफरेंस ये बीच वाला संख्या नहीं आ रहा है। यानी अगर 8 और 1 को हम घटाएँ या फिर जोड़ें तो हमारा किसी भी हाल में ये बीच वाला संख्या नहीं आ रहा है, लेकिन इसको अगर घटाएं, 4 में से 2 को अगर घटाएं तो हमारा बीच वाला संख्या आ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पहला जो प्रोसेस है वो क्या होगा कि दोनों को गुणा करने पर ये 8x स्क्वायर आना चाहिए। तो 8x स्क्वायर कैसे आएगा, तो हम अगर 4x और 2x को गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है, 8x स्क्वायर आ जा रहा है, एक तो कंप्लीट और दूसरा इन दोनों का डिफरेंस। तो 4 और 2 का डिफरेंस हमारा 2x आ रहा है, तो ये भी हमारा कंडीशन पूरा हो जा रहा है। दो कंडीशन होना चाहिए कि दो जो संख्या हमने सोचा है उन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, पहला वाला और आखिरी वाला, और दूसरा उन दोनों का अगर डिफरेंस किया जाए या दोनों को जोड़ा जाए तो हमारा बीच वाला संख्या होगा। यहाँ तक समझे होंगे आप। तो हमारा क्या आ रहा है, ये एक संख्या बन रहा है 4x और 2x, जिसको गुणा करने पर हमारा कितना आ रहा है, 8x स्क्वायर आ जा रहा है और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, वो 2x आ रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैंने इसको समझाने के लिए आपको बताया, ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में। अब देखिए हमने 4x और 2x, तो सबसे पहले दोस्तों इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ आपको लिखना है माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए मैंने 4x और 2x क्यों लिखा है, ये मैंने आपको अभी समझाया कि दो संख्या मैंने आपको मानने बोला था कि ऐसी कोई दो संख्या होगी जिसका गुणनफल क्या होगा, वो 8x स्क्वायर होगा। तो 4 दुनी 8 और x को x से गुणा करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो रहा है, 8x स्क्वायर आ जा रहा है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये होगा कि देखिए माइनस 4x है, यहाँ माइनस 4x है और प्लस में कितना है, 2x। अब इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आएगा, माइनस 4x में 2x, देखिए यहाँ माइनस 4x है और यहाँ प्लस 2x है, तो हमारा कितना आएगा, माइनस 2x, यानी इसको हल करते हैं तो कितना आ रहा है, 2x। तो यही चीज़ मैंने किया है, माइनस 4x प्लस 2x, तो इसको हल करेंगे तो बीच वाला संख्या आ रहा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, वो बीच वाला संख्या आना है। मैंने आपको दो कंडीशन बताया था कि इन दोनों का गुणनफल 8x स्क्वायर होगा और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये बीच वाला संख्या होगा। अब दोस्तों यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो आगे आपको कुछ करना नहीं है, बस
इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन ले लीजिए, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x आएगा। तो x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ x बचेगा और माइनस है, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 4, ठीक है। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया x, तो x अगर कॉमन ले लिए तो बीच में यहाँ x बचा है, माइनस है माइनस लिख दिए, यहाँ भी x चूँकि हमने बाहर कर दिया था तो बचा क्या 4। अब प्लस कर देना यहाँ, अब दोस्तों फिर इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, 2 होगा, ठीक है। 2 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या बच रहा है हमारा, x, और यहाँ क्या बचेगा हमारा, माइनस। तो देखिए 8 को अगर 2 से हम भाग देते हैं तो क्या बचेगा, 4। यानी हमने 2 कॉमन ले लिया है तो अंदर में क्या बचा है, सिर्फ 4। कॉमन लेने का मतलब यह होता है कि उसको हम जो संख्या हमने बाहर किया है कॉमन हुआ है उससे क्या होगा, भाग देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये ब्रैकेट में जो संख्या है और ये ब्रैकेट में जो संख्या है दोनों अगर बराबर है तो हमारा जो है इक्वेशन सही बन रहा है। अब आपको लिखना क्या है, एक तो संख्या लिख देना है एक्स प्लस टू, यानी इसको और इसको, ठीक है। और एक संख्या लिखना है जो दोनों में से बराबर है, उस दोनों में से किसी एक को लिख देना है। हालांकि दोनों बराबर है तो इसमें से एक लिख देना है x माइनस 4, यह हमारा आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, अब इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों के बराबर में 0 कर देंगे तो हमारा शून्य आ जाएगा। अब देखिए इसके x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा, 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 2, ये हमारा एक शून्य आ गया। या फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो x बराबर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि ब्रैकेट के उस पर ले जाना है तो x का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। यानी x के क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, या तो माइनस 2 होगा या तो 4 होगा। तो हमारा इनके शून्य क्या आ रहे हैं, ये जो द्विघात बहुपद था इसका शून्य क्या बन रहे हैं, एक तो माइनस 2 और दूसरा 4। अब ठीक है दोस्तों, अब इसके शून्यकों की जो सत्यता है उसकी जांच करनी होगी। तो सबसे पहले हमको लिखना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है, ये फॉर्मूला है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फॉर्मूला होता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। ये हम सत्यता की जांच कर रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप जांच। तो शून्यकों का योगफल देखिए, एक तो शून्य क्या आया, माइनस 2, और दूसरा हमारा शून्य आया है 4। तो शून्यकों का योगफल हमें बता रहा है, तो शून्यकों का योग करते हैं सबसे पहले, एक तो माइनस 2 दूसरा 4, तो माइनस 2 प्लस 4 शून्यकों का योगफल हमने कर दिया दोनों का। बराबर में क्या है, माइनस एक्स का गुणांक, तो अब देखना है एक्स का गुणांक क्या है। तो एक्स का गुणांक क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए माइनस 2, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस 2, तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो माइनस है, ब्रैकेट में एक्स का गुणांक हमारा क्या है, माइनस 2, तो ये हमने लिख दिया। बट्टे में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक है, तो कुछ नहीं होता, वहाँ क्या होता है, एक होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक। यहाँ समझना है, माइनस है ब्रैकेट के बाहर में और अंदर में हमारा क्या है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है यहाँ, माइनस 2, तो हमने क्या लिखा है, वहाँ एक्स का गुणांक की जगह पर माइनस 2 लिखा है, और बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ एक है, तो यहाँ हम एक लिखे हैं। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस 2 प्लस 4 क्या होगा, यहाँ 2 होगा, माइनस 2 प्लस 4 यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा। बराबर में देखिए, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है,
यानी दो हो जाएगा, और बट्टे में एक कॉम नहीं लिखते हैं। तो दो बराबर दो है, यानी हमारा क्या है, यह सत्यता की जांच हो चुकी है। शून्यकों का योगफल इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यह हमने एक तो जांच कर दिया, अब दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल की जांच करनी होगी हमें। हमें पूछा है एक तो शून्यकों का योगफल का जांच करना होगा और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों की गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर राशि बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों याद, ये भी आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस यानी इसमें 2.2 में जो है 6 क्वेश्चंस हैं, और 6 क्वेश्चंस आपका उसको जांच करने के लिए ये फॉर्मूला जरूरी है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रहे, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर राशि बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर राशि क्या होता है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, ये जो हमारा एक संख्या होता है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसमें तो एक्स के साथ गुणा है, लेकिन यहाँ अलग से एक संख्या है, इसको हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, तो हमारे शून्यक क्या क्या आए थे, एक तो माइनस टू, दूसरा चार, तो इन दोनों का अगर गुणनफल करते हैं, माइनस टू इंटू फोर, यहाँ लिखेंगे माइनस टू इंटू फोर, शून्यकों का गुणनफल, दोनों का गुणा हमने कर दिया है, बराबर क्या होगा, अचर राशि बटा एक्स स्क्वायर का गुणा। मैंने आपको बताया दोस्तों अचर राशि क्या है, ये जो 8 है अलग से दिया है, इसको हम क्या कहते हैं, अचर राशि। तो अचर राशि हमारा कितना है, इसको माइनस 8, ये जो होता है पूरा लिया जाता है, इसके आगे जो इसका साइन होता है इसको भी लिया जाता है, तो यह हमारा क्या है, अचर राशि माइनस 8, माइनस 8 अचर राशि की जगह पर लिखेंगे। और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना दे के रखा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके आगे में क्या कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो बटा 1 होगा। अब देखिए दोस्तों, 4 को अगर माइनस 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ माइनस 8 होगा, बराबर में नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, हम लिखते नहीं है उसको, तो इसको नहीं लिखेंगे, बराबर क्या होगा, माइनस 8। देखिए ये भी बराबर आ रहा है, यानी हमारा सत्यता की जांच हो चुकी है कि शून्यकों का योगफल इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और शून्यकों का गुणनफल अचर राशि बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप सबको बढ़िया लगा होगा, अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।